तो एक तो यह है कि हमारी जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत कम्पेटिटिव है। मतलब आप जैसे मिनिस्टर शहर का जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 5,500 था, अभी उन्होंने कम करके सिर्फ 4,000 पाउंड। और इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ दे वांट टू वर्क दे कैन वर्क इजीली फॉर 20 आवर्स। पार्ट टाइम जॉब जो है वो यहाँ देयर आर नंबर ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि द इकॉनमी फॉर द साउथ वेस्ट स्टूडेंट से मिला था तो उसने भी बोला कि हम फीस निकालने के बाद 1,000 जो है पर मंथ बच रहा है, तो इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है उसमें। वी अंडरस्टैंड कि वी नीड मोर फ्लेक्सिबल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोसर शहर के रीजनल डायरेक्टर वजीद भाई से के साथ पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ग्लोसर शहर यूनिवर्सिटी ग्लोसर शहर का जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 5,500 था, अभी उन्होंने कम करके सिर्फ चार हज़ार पाउंड। और स्कॉलरशिप अगेन 1,500 पाउंड की स्कॉलरशिप भी है, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम वाजिद भाई से डिस्कस करेंगे। वाजिद भाई, मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला और वहाँ एक अच्छी बात यह थी कि जो कि जॉब हंटिंग के लिए आपका कैरियर शॉप था उसमें वो हेल्प आउट कर रहे थे, तो पार्ट टाइम जॉब में बच्चे कितना अर्न कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अकबर फॉर द अपॉर्चुनिटी। जिसने आपने कहा जो पार्ट टाइम जॉब के साथ एक चीज़ लिंक्ड है वो है कि फी आप कितनी दे रहे हैं और प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी है। तो एक तो ये एरिया बहुत ही वेरी ट्रैंक्विल है, बड़ा नाइस है, बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली है, आप थोड़ा देखेंगे। तो एक तो यह है कि हमारी जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत कम्पेटिटिव है। मतलब आपको बड़े आराम से 500 पाउंड में अकोमोडेशन मिल जाएगी, प्लस आपको कम्यूट के ऊपर इतनी एक ये एडवांटेज है। पार्ट टाइम जॉब जो है वो यहाँ देर आर नंबर ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, चूंकि द इकॉनमी फॉर द साउथ वेस्ट इंग्लैंड जो है इसकी मोर देन 5 बिलियन GDP है, तो दैट मीन्स की 4 मिलियन जॉब क्रिएशन एबिलिटी है। तो एक बड़ी फंक्शनिंग इकॉनमी है लोकल, उसके अंदर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोई भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है इफ दे वांट टू वर्क दे कैन वर्क इजीली फॉर 20 आवर्स। अब जो अर्निंग की बात है, यहाँ पे मोर देन नेशनल मिनिमम वेज रेट आपको मिल जाएगा, विच इज वेरी देयर यूके में, तो अप टू इवन 14 पाउंड एन आवर भी कुछ स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो रफली 200 to 300 पाउंड अ वीक आप कमा सकते। नॉर्मली मैं भी कल एक स्टूडेंट से मिला था तो उसने भी बोला कि हम फीस निकालने के बाद 1,000 जो है पर मंथ बच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे लिए, क्योंकि अभी जो रेमर्स चल रहे थे पाकिस्तान में, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, बट ये कि जब मैं इधर स्टूडेंट से मिला हूँ तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यूके आए, क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि स्टूडेंट्स का ज़रूरी है क्योंकि फीडबैक। तो ये जो फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप 14,000-15,000, उसमें 4,000 जो है बच्चे देके आते हैं, उसके बाद कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाती है? जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है उसमें। वी अंडरस्टैंड कि वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जाहिर है कि दे कांट पे होल फी इन वन गो, तो इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स का प्लान, वो से दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, वाजिद भाई इधर ही होते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी हेल्प भी करेंगे, और फर्दर असेसमेंट आप हमारे एपेक्स कंसल्टिंग सर्विस को कॉन्टेक्ट करें। एडमिशन सप्लीमेंट में टाइम बहुत कम है, 4,000 का डिपॉजिट है, प्लीज कॉन्टेक्ट एपेक्स कंसल्टिंग सर्विस। थैंक यू।